हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ खास जानकारी लेके आया हूँ। आप में से जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो खास है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने पता किया होगा, आप सभी के लिए इग्नू की तरफ से फी रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी दी जा रही है जनवरी 2019 साइकिल के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि बीए बीकॉम बीएससी वाले स्टूडेंट्स को फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए फ़ी रिफंड की फैसिलिटी दी गई है। सो दोस्तों, चलिए इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को पूरा कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको इग्नू के फ्रंट पेज पर ही एक इन्फॉर्मेशन दी गई है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स में, फी रीइंबर्समेंट टू एससी एसटी स्टूडेंट्स इन जनवरी 2019 एडमिशन साइकिल। फ्रेंड्स, आप इस लिंक को जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को 7 दिसंबर को साइन किया गया है। इस नोटिफिकेशन को एक पुराने नोटिफिकेशन के तहत जारी किया गया है जिसे 26 फरवरी 2016 को रिलीज किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है द स्कीम शैल रिमेन इन इफेक्ट फॉर जनवरी 2019 एडमिशन साइकिल विथ फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेश एडमिशन इन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम BDP, जिसमें कि BA BCom BSc है। सो फ्रेंड्स, BA BCom BSc वाले स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे जनवरी 2019 सेशन में अपना न्यू एडमिशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए ये रूल लागू रहेगा, आपको फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो BPP वाले स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम, जो भी स्टूडेंट्स अपना डिग्री करने के लिए, बैचलर्स डिग्री करने के लिए जिन्होंने 10th क्लास तक पहले पढ़ा हुआ था, वो यहाँ पे BPP का कोर्स करते हैं, उसके बाद में वो BDP का कोर्स करते हैं, सो उनके लिए भी यहाँ पे ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2015 से अपना एडमिशन यहाँ पर लिया हुआ है, वो सभी स्टूडेंट्स BA BCom BSc BSW BTS वाले, उन सभी के लिए भी ये स्कीम लागू रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे और पॉइंट लिखा गया है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे फ़ीस माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको पहले फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न में आपके लिए एक लिंक अवेलेबल करवाया जाएगा, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको बाकायदा दिखाऊँगा कि आपको SRD में कहाँ पर जाके वो फॉर्म मिलेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे डायरेक्टली फ़ीस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या किसी और संस्था के थ्रू आप अपना स्कॉलरशिप या फिर फ़ीस बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जो फॉर्म आपको यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा, उसे आपको 20 फरवरी 2019 से पहले फिलअप करना होगा, उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आपको ये फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। उसके लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन करना है। इसी पेज में ही आप देख सकते हैं होम, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, ऐसे करके ही आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अबाउट इग्नू में डिविजन्स को क्लिक करना होगा। जब आप डिविजन्स को क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज में ही अलग अलग डिविजन्स को डिवाइड किया गया है, आप जैसा देख पा रहे हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, कंप्यूटर डिवीज़न, ऐसे ही दोस्तों इसी पेज में ही लास्ट में है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी का ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, व्हाट्स न्यू, ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। यहीं पर ही आपको एक अलग से लिंक दिया जाएगा SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, या तो आपको यहाँ पे SRD में दिया जाएगा ये लिंक, या फिर इग्नू में ही जो फ्रंट पेज रहेगा उसी में न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स में उस लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली अपने फॉर्म्स फिलअप कर पाएंगे। आपको वो फॉर्म्स ऑनलाइन फ़िलअप करने हैं, अगर ऑनलाइन फ़िलअप करने में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपने रीजनल सेंटर से जाके भी उसे फ़िलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स।